वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ होंडा सीवी 150R के बारे में और ये काफी फेमस बाइक है 150cc सेगमेंट में होंडा की तरफ से, लेकिन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। काफी लोग को ये पता लग रहा है कि 2020 में लॉन्च होने वाली है और काफी ज्यादा मैसेज मुझे भी आ रहे हैं कि क्या ये लॉन्च होगी 2020 में। सो फ्रेंड्स, अभी तक कोई अपडेट नहीं है होंडा की तरफ से, लेकिन हाँ ये 2021 में लॉन्च होने वाली है, ये मैक्सिमम चीजें ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है। लेकिन अभी भी 1% जो होता है ना कंपनी की तरफ से, वो कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर बात करें इस गाड़ी की, अगर ये इंडिया में लॉन्च होती है तो वन ऑफ द बेस्ट होगी और इसकी कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियां हैं, और अगर ये लॉन्च होती है तो ये अलग ही लेवल का हो जाएगा, क्योंकि रेट्रो लुक तो है ही, गाड़ी का डिज़ाइन भी वन ऑफ द बेस्ट है। LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स, पूरा LED सेटअप देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिलता है, जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लाइक ऑटोमेटेड ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, और इस गाड़ी का स्पीडोमीटर भी काफ़ी अच्छा है। रिवर्स बैकलाइट के साथ आती है तो यस, इस गाड़ी का लुक भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है हॉर्नेट 2.0। यस, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन होंडा की तरफ से एक चीज़ की कमी है। यस, थोड़ा सा रेट्रो लुक की गाड़ियाँ कम है इनके पास, तो हो सकता है इन फ्यूचर में CB150R लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केट में। इस गाड़ी के अगर मैं की फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फॉग देखने को मिलता है, जिसमें गोल्डन पैटर्न का आपको सिस्टम देखने को मिलता है या कलर देखने को मिलता है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा एनहांसमेंट प्रोवाइड करता है। एंड इसके फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि आपको डुअल चैनल ABS के साथ देखने को मिलता है। डायमंड फ्रेम है एंड इसमें आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन एज ए स्टैंडर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा है। एवरेज की बात करूँ तो ऑन एंड ऑन 40 से 45 के बीच में मिलेगा, वैसे भी जो हाई परफॉर्मेंस बाइक्स होती है उसमें ऐसा ही मिलता है। इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे इंजन काफ़ी इंप्रेसिव यूज़ किया गया है, 149.2 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिसको हम होंडा की तरफ से बोलते हैं प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन, लिक्विड कूल्ड के साथ आएगी। और इसका जो पावर आउटपुट है वो 16.1 HP है एंड 13.6 Nm का टॉर्क इसमें देखने को मिलता है। 6-speed ट्रांसमिशन के साथ आती है, लेकिन बहुत सारे फीचर्स है, 4-volt टेक्नोलॉजी, DOS इंजन है। एंड इस गाड़ी में अगर डिस्क ब्रेक की बात हो तो यहाँ पर 296mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है एंड 220mm का रियर डिस्क देखने को मिलता है। टायर भी काफ़ी अच्छा है, 110 सेक्शन का फ्रंट है एंड 150 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलता है। 17 inch के व्हील्स के साथ आती है। बात करें इसके डिज़ाइन, तो डिज़ाइन बस ये आएगी तो वन ऑफ द बेस्ट होगी इस सेगमेंट में, क्योंकि बहुत एनहेंसमेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ तो इस गाड़ी का कलर बहुत ही धांसू है, आ जाती है तो इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी बोला गया है, इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो 8.50 लीटर का है। अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में मैक्सिमम जो गाड़ियाँ 150cc सेगमेंट की, उसमें 12 लीटर के ऊपर ही आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 8.50, और ये बहुत ही कम है। और इसकी जो ऑयल कैपेसिटी इंजन की वो है 1.3 लीटर की, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। ये लॉन्च होती है तो ये गाड़ी सारे को, जितनी गाड़ियां हैं मार्केट में 150cc सेगमेंट में, सबको टक्कर देगी। लेकिन यस, प्राइसिंग भी उतना ही इंप्रेसिव होने वाला है ये इस गाड़ी का। जो अगर मैं प्योरली अगर कॉम्पिटिशन की बात करूँ इंडियन मार्केट में, तो एकमात्र गाड़ी है वो है MT-15। यस, आप लोग सही गेस कर रहे हो, वो गाड़ी इस गाड़ी को टक्कर देती है पावर में भी, अब परफॉर्मेंस में भी, इवन ऑन प्राइसिंग में भी। अगर इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो 1.50 lakh से 1.60 lakh तक हो सकती है ऑन रोड आते आते। और इसके कलर की बात करूँ तो अभी तो फिलहाल पर 3 कलर देखने को मिलता है, वाइट, ब्लैक एंड रेड, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी एनहेंसमेंट प्रोवाइड करता है। अभी तक तो इसका यही अपडेट है, ये 2020 में लॉन्च नहीं होने वाला है, इन 2021 में इसका अपडेट आने वाला है, ऐसा ह्यूमर है। लेकिन अभी कंपनी की तरफ से कोई भी 100% श्योरिटी नहीं है, जैसे ही आता है मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। रेस्ट आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का जो हैंडलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हैंडलर पे जाके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आपको किसी गाड़ी को परचेस करने के लिए आपको कोई सजेशन चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो इस गाड़ी से रिलेटेड बस यही न्यूज़ है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।